हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अपने बीके भाई है इधर। बीके भाई कहाँ जा रहे हैं? हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं कुल्लू। तो गाइस कुल्लू जा रहे हैं मैं और बीके भाई, ऐसे प्लान बना घूमने का। बाकी अपने भाई भी हैं उधर, एक उनसे भी मिलाएंगे, तो चलते हैं। क्यों बीके भाई? हाँ, तो बीके भाई के सनी जा चुके हैं, उनसे मिलेंगे। तो चलते हैं गाइस, चलें भाई। तो गाइस ये अपना प्यारा सुंदरनगर। तो बीके भाई अब भी बढ़िया है, शाम को क्यों, मौसम भी बढ़िया होता है घूमने के लिए। तो कह रहे थे दिन को जाना है, पर दिन को बहुत ज़्यादा धूप होगी आजकल, मोटी गर्मी है। तो भाई पहुँच चुके हम सुंदरनगर बाईपास के पास, जो धनोटू के पास है। बीके भाई आगे सारे काला काला दिख रहा है, बारिश धुन पड़ गई है। तो गाइस देखेंगे अगर मौसम साफ ही होना चाहिए ऐसे। तो बाकी डिडोर के पास पहुँच चुके हैं गाइस। पहले तो मोटा कंफ्यूजिंग था, अब तो भाई हो गया ठीक थोड़ा। अब पता है ना। हाँ, तो पहले ये डिवाइडर जैसे बनाया ना बीच में, ये नहीं था ऐसे था, ऊपर नहीं। फिर भी इधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अभी भी। सुना मैंने कि खुल गई है, मतलब जा रही हैं गाड़ियाँ। चलो तो देख लेंगे, बाकी उस साइड से हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे मंडी हो गए नहीं तो। तो गाइस इधर से जा रहे हैं, बाकी देखेंगे आगे टनल खुली होगी तो चले जाएंगे। ऐसा सुना है मैंने कि जा रही हैं गाड़ियाँ, बाकी देखेंगे आगे ही। तो गाइस हम आ गए हैं 4 लेन से, देखेंगे आगे टनल खुली है कि नहीं। तो बाकी यहाँ से सारा ही शहर बाईपास हो गया है मंडी। जब से टनल खुल जाएगी तो इधर भी ट्रैफिक बिल्कुल ही भाई ना आगे बराबर हो जाएगी सामने। तो गाइस ये है टनल इधर, अगर देंगे जाने। टनल खुली है भाई? नहीं है भाई। अच्छा ही। तो गाइस काम चला है, टनल लगा के बंद है ओला। तो बाहर से जाएंगे मंडी होके। तो गाइस पहुंच गए हम मंडी वाले रोड पे। कितना भाई, 1.5 किलोमीटर होना पर ऐसा ना। पहुंच गए हम मंडी। तो अपने राइट साइड ही है मंडी का बस स्टैंड, और लेफ्ट साइड अपना पड्डल मैदान जहाँ शिवरात्रि का मेला होता है। तो गाइस बारिश का मौसम भी हो रहा है तगड़ा ही, बारिश ना गिरे बस। हाँ तो गाइस इधर निकले वो टनल जहाँ से हमने आना था, पर बंद है, इधर काम चला हुआ है अभी। खोली तो थी भाई बीच में। हाँ बीच में शिवरात्रि के टाइम पर। हाँ तो गाइस इधर से है थोड़ा सा खराब रोड, बाकी काटेंगे अभी शायद इस पहाड़ी को, है ना। पूरी भाई, पूरी। हाँ तो गाइस ये पहाड़ कट गई अभी। इस बरसात में तो इधर डर ही रहता है पत्थर गिरने का ऊपर से। देखो नीचे को खाई है, अभी भी डर ही है इधर। एक साइड पहाड़, दूसरी साइड खाई। साइकिल ले लो भाई, अभी भी डर ही है भाई इधर। हाँ डर तो है ही, पीछे से पानी गया कैसे। तो गाइस जब मोटे बाढ़ आई थी ना बरसात में, तो देखो नीचे स्कूल बच गया था, अगर दिख रहा होगा आपको। आगे पीछे से पानी गया था, स्कूल बच गया। हाँ तो स्कूल बीच में था और आगे पीछे सारा पानी आ रहा था। तो गाइस काम चला है इधर भाई, खुद दिख रहा है। तो गाइस पुनो डैम के पास पहुंच चुके हैं हम भाई, अब तो खुल गया वाला रास्ता। क्यों? तो गाइस जो ऑप्शनल रोड बनाया था ना, तो उसको कर दिया बंद। बंद कर दिया इस रोड को, नहीं जा सकते हैं। अच्छा पर जो तो गाइस उधर से बनाया था, गया था मैं एक बार इस रास्ते से जो ऑप्शनल रोड था, ये तो इधर बंद हो गया था पर रोड। तो गाइस इधर आगे से जाते हैं, इधर नीचे को नीचे होके ऊपर ऊपर पर ऐसे होके होटल जो खुला है पर। हाँ एक होटल भी है पर उसका तो भाई पता नहीं था। हाँ खतरनाक होटल है वो। तो गाइस इधर आगे एक होटल है, उसका तो पता नहीं था, जब इधर से गए बंदे तब लगा पता कि इधर होटल भी है। कहीं कौन था पता, बाकी तो पता था। तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ को निकल रहे हैं पहाड़ियों से रोडो, देखो ऊपर। तो गाइस यहाँ से आगे था बंद, यहाँ से आगे था लैंड स्लाइड।
ये बंद ही था सारा है ना। ये देखो गाइस फिर से बना इधर। इधर बना है कुछ पार्क वगैरह सामने। पार्क इधर है अभी वह भी बना है पीछे जैसे। मैं नहीं इधर तक नहीं गया था। तो गाइस ये देखो लोग व्यू पॉइंट से आते हुए इधर बारे फोटो फोटो खिंचाते हैं बंदे। 48 किलोमीटर रहा यहाँ से कुल। तो भाई बोलते हैं जो बिल्कुल पुराना रास्ता था ना वो और भी नीचे से था जो बिल्कुल ही पुराना था। एक तो था इससे पहले ना फोर लेन के पहले, उससे पहले था वो तो बिल्कुल ही नीचे से था, नदी के साथ साथ ही था। तो गाइस ये वाली टनल लेनी बनी है अभी, आगे तो बन गई इससे आगे वाली। तो गाइस साइड से मोटा ही अंधेरा है बारिश का, हमने सोचा गिर जाएगी पर आगे ठीक है मौसम। इस साइड चमक रहा है सब कुछ, इस साइड अंधेरा। तो भाई अनोखी माता को भी कट गया है जो जाती थी सड़क उधर से, अब हो गया उधर से है ना फोर लेन होके। ये देखो गाइस ऊपर सड़क के निकाल रहे जहाँ मर्जी से मन करे। कहीं पहाड़ों को खोद के कहीं पहाड़ों को चीर के मोटा ही चला है भाई पहाड़ों के अंदर से। हाँ जहाँ से मन करे वहां से सड़क। तो कुछ नहीं बोल सकते गाइस। गाइस आपको तो नहीं दिखी होगी कैमरे में गाड़ी पर गाड़ी जा रही है ऊपर। तो गाइस जाम लगा है इधर आगे, ऊपर देखने से डर ही लगता है भाई। मैं बोल रहा हूँ ऊपर देखने से डर ही लगता है, पत्थर में गिर जाए नीचे डर ही रहता है इस साइड बरसात में। ये देखो गाइस ऊपर पत्थर है, सरस्वती माता का मंदिर है, जोगनी मोड़ जगह का नाम है। देखो गाइस व्यू से आप व्यू देखो आप तगड़ा। तो गाइस ये वाली टर्न नहीं खुली अभी, ये वाला रास्ता नहीं खुला है परे से। क्यों भाई इससे आगे वाली खुली है ना। खुल गया देखो। तो गाइस मोटा ही खतरनाक बना है इधर। तो गाइस ये ब्रिज भी अभी बना है। हाँ तो गाइस गाड़ियाँ नहीं जाती थी, छोटा ब्रिज था इधर। ये जो है तो पुराना वाला। हाँ तो गाइस मोटा ही सुंदर बना है ब्रिज भी। तो अपनी खूबसूरत टनल आगे दिख रही है इधर से ही। तो गाइस एंटर होने वाले हम टनल में, टनल नंबर 11। हाँ मतलब मंडी के बाद ही है जो टनल खुली है, पंडो के बाद है। देखो मोटी खूबसूरत टनल गाइस। हाँ तो गाइस ये परे निकलने के लिए डबल लेन, जो पीछे टनल है उधर ऐसा है कईयों में सिंगल सिंगल ही लेन है ना, एक साइड से जा रहे हैं एक साइड से आ रहे हैं। एक टनल खत्म दूसरी शुरू ऑन ही है। तो गाइस देखो मोटा ही प्यारा है इधर। ये देखो गाइस टनल नंबर 12 और ये परिवार साइड को जाने के लिए। अभी ये कौन है। तो गाइस घुस गए हम दूसरे टनल में। गाइस आ गया साइड एग्जिट। हाँ जी क्या बोल रहे हो भाई। तो गाइस आ गए टनल के बाहर। तो गाइस थोड़ा सा बैठ गया सड़क। तो भाई मुझे प्यारा बना है इधर से, मोटी प्यारी सड़क बनी है। तो भाई चलते हैं फटाफट इधर से आगे, अंधेरा भी हो जाएगा पहुंच जाएंगे अब कुल्लू जल्दी। तो गाइस एक और टनल। हाँ एक और टनल आ गई।
हाँ तो गाइस सिर्फ जाने के लिए आने के लिए परे से अटन तो गाइस देखो पहाड़ पहाड़ को काट के बनाई है और बिल्कुल खूबसूरत टनल है गाइस। टनल का एग्जिट तो भाई इस टनल में थोड़ा अंधेरा जैसा भी था हाँ? थोड़ा अंधेरा जैसा था इस टनल में हाँ तो गाइस एंड जैसे था अंधेरा थोड़ा तो गाइस इधर भी चला हुआ है काम अभी मतलब बीच बीच में चला हुआ है काम पर बढ़िया हो गया बंडो से आगे हाँ। तो भाई ये कुल्लू रहा 36 इधर मोटा प्यारा मंदिर है का मंदिर ये है दरागे जैसे ये वाला हाँ मोटे प्यारा मोटी का लगा दिया था हाँ मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है जय हो भाई मैं सोचता शिव मंदिर है आज आज रुके इधर ऐसे दिखते हैं मोटा ही सुंदर गाइस देखो थोड़ा पीछे से बताते हैं हम गाड़ी तो नहीं पीछे तो गाइस देखो बहुत ही सुंदर और लड़का देख रहा है झाड़ू मार रहे हैं तो गाइस चलते हैं जय मार्कंडेय ऋषि। तो गाइस हॉट टनल में एंटर होने जा रहे हैं हैं तो गाइस रुक ही गए हैं इधर बंदे क्या कर रहे हैं तो गाइस हॉट टनल में हो गया एंटर तो गाइस बस निकलने वाले हैं हॉट टनल से बाहर और भाई आपने देखी एक बात है जैसे टनल खत्म होने वाली है ना तो सारी टनल में से थोड़ा सा टर्न है जैसे कि बंदे स्पीड कम करें तो गाइस निकल चुके हैं टनल से बाहर और पहुंच गए ऑट के पास तो गाइस इधर देखो बड़ी सुंदर लग रही है ग्रीनरी पहाड़ियाँ पहाड़ियों की ग्रीनरी चेक कराओ गाइस देखो बड़ा खूबसूरत रास्ता है इधर से तो क्या जी साइड तो खतरा ही रहेगा बरसात में ये देखो ऊपर को छोटे छोटे पत्थर तो गिर भी रहे हैं बीच में हाँ तो क्या गिरते रहते हैं इधर से पत्थर तो क्या भी ऊंचा करो आप इधर जी इधर भी छोटे छोटे पत्थर गिरे हैं देखो तो गाइस व्यू देखो ऊपर पहाड़ियां तो गाइस बस रुकेगी शायद इधर हम निकल जाएंगे साइड से बढ़िया कुल्लू रहा भाई 19 किलोमीटर 19 तो गाइस व्यू चेक करो अभी इधर से मोटा ही सुंदर तो गाइस भुंतर एयरपोर्ट है इधर से 6 किलोमीटर और कुल्लू है 16 किलोमीटर तो गाइस पूरी चेकिंग चली हुई है इधर देखो पुलिस वाले खड़े हैं चश्मा लगा के बढ़िया तो गाइस यहाँ से आके कुल्लू हो गया शुरू अपना है? पीछे मंडी ना हाँ तो इधर से पीछे मंडी और यहाँ कुल्लू की बाउंड्री शुरू तो गाइस ये अपना सुंदर पिजौरा बाईपास का ब्रिज अपना भुंतर का एयरपोर्ट तो पता नहीं दिख रहा आपको कि नहीं तो देखो गाइस अपना एयरपोर्ट मुंतर का
होगा इधर, सनसेट हो रहा है, मोटे प्यारा हो गया इस टाइम मौसम। तो गाइस अंकल हमें देख के आगे चलने लगे। तो गाइस देखो ठीक तगड़ा शहर बस है भाई। मणिकर्ण है इधर से 31 राइट साइड के लिए हो गया मणिकर्ण के लिए, बाकी हम निकल जाएंगे कुल्लू के लिए इधर से। भाई 8 किलोमीटर आ कुल्लू तो पहुंच गया कुल्लू भाई। ठंड ठंड भी लग रही है मेरे को, तो ठंड भी लग रही है तो भाई इधर तो ठंड है सुंदरनगर से कंपेरिजन, तो सुंदरनगर से कंपेयर कर तो ठंड है। आपकी बात तो मैंने तो डाला है भाई विंड चीटर, डाला है मैंने बैग में, मैंने डाल के रखा है विंड चीटर। एक टी शर्ट भी होनी देखना पड़ेगी पहन लेना आप। कहाँ जैसे जाना है? ढालपुर। ढालपुर के पास है? तो गाइस ढालपुर मैदान के पास है, डीसी ऑफिस के पास मिलेंगे अपने भाई जी। अब अरे मेला लगा है। तो भाई लगा है मेला। तो गाइस बिक्री हो रही है। हाँ तो वहाँ मेला लगा है ढालपुर में, अगर होगा तो जाएंगे हम। मनाली है इधर भाई 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है मनाली। तो गाइस होने जा रहे हम कुल्लू शहर के लिए एंटर है। हाँ ठीक है, बंद है कि क्या है? ये इतनी जगह है, क्यों किया ऐसा? तो गाइस लिखा भी हो आगे वेलकम टू कुल्लू, कुल्लू में आपका स्वागत है। तो इधर बस स्टैंड भी है कुल्लू का। तो गाइस बस पहुंच ही चुके हैं ढालपुर में नीचे को। क्या हो रहा है? आयो रब्बा, आगे देख लो ना भाई। तो गाइस लगा है मेला अंदर, कौन सा मेला लगा है? वो पीपलू का, पीपलू मेला। ओ भाई झूले लगे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं इधर खड़े हैं अपने भाई। और ऊपर चल ले, मैं अपने सन्नी भाई है। अरे इन्ने पता नहीं कितको बड़ा इतरे बुनो ठीक ठाक है भाई। तो भाई पहुंच गए, मिलते हैं थोड़ी देर में। बिकी भाई कहाँ पहुँचाती है पीपल में अपने सन्नी भाई? देखो पीपल में लाए कुल्लू का, ला लो भाई ग्लास गार्ड 50 का। तो भाई अपने सनी भाई को जा रहे हैं हम अभी। ठीक है सनी भाई जी, मिलते हैं अगली बार है ना? ओके ठीक है, आना फिर जरूर है। ठीक है ओके, ठीक है भाई तो जा रहे हैं साथ में। ठीक है सनी भाई है ना? ओके ओके। तो भाई चल पड़े हम वापस, हमने बिकी भाई भी हो गया रेडी। तो देखो कुल्लू रात को बढ़िया चमक रहा है। कितना टाइम हुआ भाई? 8:15। तो भाई 8:14 हुए। तो ठीक है ये थी वीडियो, बाकी पहुँच जाएंगे हम 1.5 घंटे में।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, बताना कमेंट में कैसी लगी वीडियो, बाकी सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है गाइस, बाय।